छत पर उगाए हैं ड्रैगन फ्रूट ही ड्रैगन फ्रूट। देखिए हमारे गार्डन में कितने सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हैं और ये हमारा थर्ड टाइम है फ्रूटिंग का। इससे पहले भी हमने आपको ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करके दिखाया है, लेकिन इस बार काफ़ी सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हैं, इसकी भी हार्वेस्टिंग हम जल्दी ही करेंगे। और इतने सारे प्लांट्स भी हमारे पास ड्रैगन फ्रूट के रेडी हो चुके हैं। नमस्कार, वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। आज हम ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स की प्रूनिंग करने जा रहे हैं। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स की प्रूनिंग समर में ही करनी चाहिए, लेकिन अभी तो रेनी सीजन आ रहा है तो हम इसकी प्रूनिंग एकदम सावधानी से करेंगे। उसे है ना, हम प्रूनिंग करते समय बीच में से नहीं काटेंगे। ये देखिए जहाँ पर नोड है उसका वहीं से काटेंगे, तो वहाँ से काटने के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और ये जो है ये बहुत ही नीचे लंबे लंबे हो चुके हैं कुछ, तो जो लंबे लंबे हो चुके हैं उनको भी मैं यहाँ से काट लेती हूँ, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की हाइट लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, उसको प्रून बीच टाइम टाइम पर करना चाहिए। समर सीज़न में भी हमने इसकी काफ़ी प्रूनिंग की थी, आपके साथ शेयर भी किया था तो, लेकिन अभी भी इसके कुछ जो प्लांट्स है कुछ इसके स्टेम्स जो है बढ़ चुके हैं, तो अब मैं इसे अच्छे से प्रून करने जा रही हूँ। जब भी इसकी प्रूनिंग होगी तो इसमें अच्छे से कलियाँ आएगी, अच्छे से खाद वाद देने के बाद कलियाँ भी आएगी। रेनी सीज़न इसका फ्रूटिंग टाइम होता है, अभी रेनी सीज़न से लेकर के फिर दिसंबर तक इसमें फ्रूटिंग रहती है। प्लांट को लगाने से लेकर के एक साल या फिर डेढ़ साल में इसमें फ्रूटिंग होती है। टेरेस पर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि इसे पानी बहुत कम चाहिए। इसकी मिट्टी भी हमें बहुत सैंडी टाइप की मिट्टी बनानी होती है। इसकी मिट्टी में हमें सैंड मिक्स करनी होती है ताकि जो बारिश का भी पानी आए तो उस मिट्टी में गमले में रुका ना रहे, जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए, इस तरह की हमें इसकी मिट्टी बनानी चाहिए। तो हम टेरेस पर जब प्लांट्स लगाते हैं ना, कुछ हमें ऐसे प्लांट्स भी लगाने चाहिए जिनको कि पानी बहुत, यानी कि हर रोज़ देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हमें हमारे टेरेस पर ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको कि रोज़ हर रोज़ पानी चाहिए होते हैं, तो हमारा टाइम भी बचता है कि जिनको हर रोज़ पानी चाहिए उनको हर रोज़ पानी दो, और जिनको पानी बहुत कम लगता है उनको दो दिन तीन दिन के बाद भी पानी हम देते हैं तो भी चल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी कटिंग्स, लंबे लंबे कटिंग्स हमारे निकल रहे हैं। हम इन लंबे लंबे कटिंग्स को ज़्यादा प्रून नहीं करेंगे, ऐसे ही हम टेरेस पर लगा देंगे। मुझे पूरे टेरेस पर जितना भी मेरा पैरापिट वॉल है टेरेस का, सारे वॉल को मैं इन प्लांट्स को कवर कर दूंगी। जिस तरह से मैंने ये प्लांट्स लगाए हैं ना, ये बाहर साइड से निकाले हैं और अंदर साइड से लगाए हैं, उसी तरह के मैं सबसे ऊपर वाले टेरेस पर करूँगी। और सबसे ऊपर वाले टेरेस पर है ना, धूप बहुत अच्छी आती है, इन प्लांट्स को धूप बहुत चाहिए होती है। लेकिन समर सीज़न की जो अप्रैल मई मंथ, दो मंथ में जो धूप बहुत तेज़ होती है, उतनी तेज़ धूप भी इनको नहीं चाहिए, तब हमें नेट वगैरह लगा कर इनको थोड़ा सा शेड देना पड़ता है। तो मेरे प्लांट्स इस समर में बहुत अच्छे रहे, बिल्कुल भी उसमें सनबर्न की कोई शिकायत नहीं हुई। मैंने समर सीज़न में इनको पानी भी बहुत कम देना चाहिए, अगर हम पानी देते हैं तो सनबर्न नहीं होता है, पत्ते अच्छे रहते हैं। मेरे पत्ते काफ़ी फ्रेश है, क्योंकि मैंने समर सीज़न में इसमें बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लगने दी और बहुत कम पानी दिया, तो इसकी केयरिंग भी बहुत आसान है, ज़्यादा केयरिंग भी नहीं मांगता है ये प्लांट्स। और मेरे प्लांट्स में अभी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है, और मेरे पास इतने सारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। पिछली बार मैंने जो प्रूनिंग की थी उसके तो प्लांट्स रेडी हो चुके हैं, उसमें रूटिंग हो चुकी है, और ये देखिए इतने लंबे लंबे कटिंग्स मैंने निकाले हैं। तो ये लंबे कटिंग्स को मैं प्रून नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं ये लंबे कटिंग्स मैं अपने टेरेस पर लगा दूँगी, तो इसी में नए लीव्स आएंगे और जल्दी फ्रूटिंग भी हो जाएगी। तो आपको अगर इसकी कटिंग्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको इसकी कटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर रूटेड प्लांट्स भी हमारे पास रेडी है। ये लगाना आसान है, इसको बहुत कम मेंटेनेंस वाला ये प्लांट है। आप टेरेस पर अगर गार्डनिंग करते हो तो ज़रूर इस प्लांट को लगाएं, ज़मीन में भी लगा सकते हो, लेकिन इसे धूप चाहिए फ्रूटिंग के लिए। देखिए इसमें छोटी छोटी कटिंग्स निकली है, इस तरह की छोटी छोटी कटिंग्स, ये देखिए
काफी सारे कटिंग्स इसमें है ना, कांटे बहुत रहते हैं, तो हमें बहुत सावधानता से इसे कट करना पड़ता है। और ये देखिए, जो पिछली बार मैंने कटिंग लगा रखी थी तो उसमें रूट्स भी आ चुके हैं, इसमें रूट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसी ही कटिंग अगर हम जमीन में लगा देते हैं तो इसमें रूट्स निकल कर आ जाते हैं। तो मैं सारे ये कटिंग्स सब आपके साथ शेयर भी करूँगी, कहाँ लगाऊँगी, लगाने के बाद आपको दिखाऊँगी इसकी कटिंग्स मैंने कहाँ लगाए हैं। और ये पिछले टाइम के मेरे जो कटिंग्स है, मैंने जो लगाए थे, इसमें रूट्स भी आए हैं और नए लीव्स भी आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये मेरे प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं। तो इतने सारे प्लांट्स तो मुझे नहीं लगेंगे, मैं इसे सेल आउट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स को हमने कैसे कैसे और कहाँ पर लगाया है। थैंक यू।